महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी शिवसेना बीजेपी की सरकार ने सोमवार 4 जुलाई 2022 को बहुमत हासिल कर लिया है। विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, वहीं विरोध में महज 99 विधायकों ने वोट किया। बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल एक पद रिक्त है। ऐसे में शिंदे सरकार को बहुमत साबित करने के 144 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। राहुल नार्वेकर के स्पीकर चुने जाने के बाद ही यह साफ हो गया था कि शिंदे सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन सोमवार को इसके विरोध में वोट चौंकाने वाले हैं, क्योंकि स्पीकर के चुनाव में उद्धव खेमे के उम्मीदवार राहुल सालवे के पक्ष में 107 वोट पड़े थे। इसका कारण विपक्ष के कई विधायकों का मतदान के दौरान गैर हाजिर रहना बताया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट से पहले एक और झटका लगा। एक और विधायक श्याम सुंदर शिंदे बहुमत परीक्षण से ठीक पहले एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बता दें कि कल से शिवसेना के दो विधायक पाला बदल चुके हैं। शिवसेना के नए बागी विधायक संतोष बांगड़ ने शिंदे के समर्थन में वोट किया। इधर शिंदे व उद्धव गुट के बीच व्हिप विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जारी व्हिप को मान्यता देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर को ये अधिकार नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी भी उद्धव गुट की ही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर भी 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार के महत्वपूर्ण विश्वास मत से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा था। रविवार रात महाराष्ट्र विधानसभा के नव नियुक्त अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट के अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया था। स्पीकर ने शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में, शिंदे और चीफ व्हिप के रूप में भरत गोगावाले को मान्यता दे दी थी। ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनाने पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।